दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स छोटा चौक नाहन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने सराहा में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कहा कि भाजपा सरकार का 3 वर्षों का कार्यकाल बिल्कुल निराशाजनक रहा, विकास की गति बिल्कुल ठप पड़ी है। ऐसा लगता है कि इलाके में पुलिसिया राज स्थापित हो गया है। वाहनों की तो छोड़ो, पैदल चलने वालों को भी चालान का डर सताता रहता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पश्चात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बेलीराम शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पश्चात निर्वाचन क्षेत्र के विकास को ग्रहण लग चुका है। पश्चात के विकास को जो है पूरी तरह से ग्रहण लगा हुआ है। हमारा नारंग का कॉलेज जो पूर्व सरकार ने खोला था उसको बंद कर दिया। हम आभारी हैं हाईकोर्ट ने कि उन्होंने इस बात को जायज मानकर पुनः सरकार को आदेश दिए हैं कि इसे खोला जाए, लेकिन अभी भी जो है सरकार इस पे चुपचाप बैठी है और राजनीति प्रतिशोध को चलते अभी कोई कार्रवाई उस पर नहीं है, जिसको हम मानते हैं कि ये सरकार जो है पछात के साथ भेदभाव करना चाहती है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जब बाई इलेक्शन था तो उन्होंने कहा था कि पछाड़ का जो विकास है वो सिराज का जो कंस्टिट्यूंसी है उसकी तर्ज पे होगा। जिस तरह से सिराज का विकास होगा वैसे ही पछाड़ का विकास होगा। मेरा ये आरोप है कि 3 वर्षों में सिराज में 245 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। 3 वर्षों में सिराज में 245 किलोमीटर सड़कें बनी हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा जो है पर्यटन के विकास के लिए वहाँ दिया गया है। कई वहाँ पे डिवीज़न खोले गए हैं, हमें उसका कोई गिला नहीं है। लेकिन यहाँ तो केवल घोषणाएं हुई हैं और वो जो घोषणाएं थी वो भी जुमला ही निकले। तो ये भी जो सिराज के तर्ज पर पछाद का विकास होगा, मुख्यमंत्री जी का ये भी जुमला ही निकला। इसके अलावा हमारा जो मझोता कॉलेज है उसके भवन का निर्माण 3 वर्षों में जो है वहीं का वहीं है, जहां पूर्व सरकार ने जहां छोड़ा था वहीं पर अभी तक भी वो खटाई में पड़ा हुआ है। इसी तरह से नारग नौरी सब तहसील की बिल्डिंग वो भी अधूरी पड़ी हैं। देवठी मझगांव, दरोटी, मड़ी घाट और अन्य कई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुजी के भवन का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है। सरकार को कोई इससे लेना देना नहीं है, ना ही नुमाइंदों को जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं उनको भी इससे कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह से कई सड़कों की घोषणा हुई थी जब बाई इलेक्शन हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं धामला से लेकर और देवठी मझगांव होते पुलबाल चौपाल को स्टेट हाईवे डिक्लेयर किया था कि इस सड़क को हम बनाएंगे और ये स्टेट हाईवे रोड हुआ, वो भी जुमला ही निकला। इसी तरह से जो नेशनल हाईवे थे जिसमें लौसा चौकी से चंडीगढ़, ओझघाट से सराहा, सनौरा से नेरीपुर, यशवंत नगर से खैरी बनेठी नाहन और यशवंत नगर नौराधार, ये तमाम नेशनल हाईवे की घोषणा हुई थी लेकिन धरातल पर ये भी जुमला ही है। पांच नेशनल हाईवे जो थे ये भी जुमला ही निकले। इसी तरह से आज बाई इलेक्शन के दौरान बहुत सारे जो सड़कें थी उसकी टायरिंग हुई, उसको पक्का किया गया, लेकिन थोड़े से समय में आज वो उसका नामो निशान नहीं है। सड़कों की हालत बदतर है, सड़कें जो हैं वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। कई सड़कें जो 100 करोड़ से ज़्यादा का जो प्रोजेक्ट, मैं पहले भी कहा करता था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया था, जिन सड़कों का, पेयजल योजनाओं का, वो काम भी अभी तक 3 वर्षों में भी वो अधूरा ही पड़ा, वो काम भी सिरे नहीं चढ़ा। और बहुत सारी घोषणाएं बाई इलेक्शन के दौरान जो हुई थी, चाहे उसमें रोज़गार देने की बात थी,
पेयजल योजनाओं को बनाने की बात थी, चाहे सिंचाई योजनाओं की घोषणा हुई थी, वो सारे जुमले ही निकले। कोई विकास का काम जो है वो धरातल पर नहीं उतरा है, ना ही उसकी कोई DPR बनी है, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि कल को आज DPR बन गई है, पैसा सैंक्शन होगा तो उसका काम लगेगा। आप हैरान होंगे कि जो शिलान्यास, जो उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किए हैं, चाहे वो पेयजल योजना के हैं, चाहे हमारी जो है सिंचाई योजना, उठाऊ सिंचाई योजना के हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। उद्घाटन हो गए लेकिन वो स्कीम जो है वैसे ही ठप पड़ी है। इसी तरह से बिजली और पानी की आपूर्ति कराने में भी ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। पानी पीने को नहीं मिल रहा है और बिजली की जो आँख निचोली है, और आप हैरान होंगे सराहा में, चाहे पानी की बात हम करें चाहे बिजली की बात करें, जितने कट आजकल लग रहे हैं, मेरे ख्याल आज से पहले कभी इतने कट नहीं लगते थे। पानी तो सस्ता दिन मिलता है, और पानी जो है वो हफ्ता और 15 दिन के बाद मिलता है सराहा के लिए। तो हम कैसे कह दें कि ये सरकार जो है, सरकार ने जो है ईमानदारी से काम किया है और इलाके को जो है वो इलाके के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में बहुत बेरोज़गारी बढ़ गई है, आज बहुत सारे बेरोज़गार कई सुसाइड कर रहे हैं और बेकार बैठे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी ऐसी योजना जो है वो ज़मीन पे नहीं उतारी है जिससे नौजवानों को लाभ मिल सके। तो मैं और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से सरमौर और पछात के साथ भेदभाव कर रही है, ये मेरा आरोप है। और कई मुद्दे हमने सरकार के समक्ष उठाए लेकिन कोई हल नहीं निकला। कई बार हम मुख्यमंत्री से मिले, उन्हें ज्ञापन भी दिए, कई ज्ञापन हमने SDM के माध्यम से भी दिए, और लेकिन नतीजा जो है वो कुछ नहीं है। वही कुछ सरकार जो है वो टस से मस नहीं हुई। हमारा ये मानना है कि सरकार भेदभाव कर रही है और लोगों में इस बात का बहुत रोष है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को राशन, सस्ता राशन नहीं मिल रहा है, और जो 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 रोज़ाना की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी लोग वंचित हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, अभी जो हाल ही में जो रोष है वो लोगों में बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह ही बहुत है। आपस में लड़ाई की वजह से हमारा विकास भी ठप हो रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं जनता के ध्यान में है और मतदाताओं के ध्यान में है, आने वाले जो हमारे पंचायत के चुनाव हैं इसमें ये गुस्सा निकलेगा और भाजपा को इसका खुमाजा जो है भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस जो है काफ़ी अच्छी जो है सीटें पंचायतों में BDC के लिए और जिला परिषद में अपनी जीत दर्ज करेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो 3 साल का जो कार्यकाल है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बातें ज़्यादा की हैं, काम कुछ नहीं किया है, कर्ज ज़्यादा लिया है और विकास के लिए खर्च जो है वो कम हुआ है। जो विकास, जो कार्य सरकार को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। आज हमारा कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है